नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 23वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख और समझ रहे हैं। इसमें हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है। इस वीडियो सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देखकर इससे बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पीछे के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ फंक्शन और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। हमने एरे के बारे में पढ़ा था, एरे किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और एरे से रिलेटेड भी हमने कई सारे प्रोग्राम को डिस्कस किया था। दोस्तों, यदि आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को शुरुआत से एक एक कर आप देखिए, जिससे कि आपको सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर भी हम एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। जैसे शुरू में आपको बताया हुआ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना, डाटा को सेट करना, तो उसका प्रोग्राम हम देखेंगे। उसके साथ साथ जो अपने मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम, और मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो ये प्रोग्राम पूछा गया है वो क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था, सॉर्ट यानी कि जो भी डेटा है, वैल्यूज है, उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि डेटा को या वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, अरेंज करना, तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है। तो चलिए इसको समझते हैं। शुरुआत में हमने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, एरे का नाम रखा है ए और उसका साइज दिया है 50। हमने ये वेरिएबल लिए हैं आई, एम, जे और टेम। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर साइज ऑफ एरे, और स्कैनर की हेल्प से n को रीड करवा लिया, यानी कि जो एरे का साइज है उसको रीड करवा लिया। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स, और फोर का लूप लगाया। फोर का लूप जीरो से शुरू करके हमने i लेस देन n, यानी n से एक कम तक, यानी n माइनस वन तक ये लूप चलेगा, और ये क्या करेगा कि एरे के एलिमेंट्स को रीड कर लेगा। अब हमने एरे के एलिमेंट्स रीड कर लिए। अब इसमें जो भी हमने संख्याएं इनपुट करी वो संख्याएं अव्यवस्थित हो सकते हैं, यानी कि वो और उनका क्रमबद्ध रूप में होना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या करेगा कि यदि अव्यवस्थित संख्याएं हैं, आगे पीछे या छोटी बड़ी संख्याएं हमने मिक्सअप तरीके से इनपुट करी है, तो उनको वो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। तो देखिए आगे सॉर्टिंग का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है। ये जो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट डेटा को सॉर्ट कर देगा। अब इसमें हमने क्या किया है देखिए और समझते हैं हम ध्यान से। हमने एक लूप लगाया आई का, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर हमने जे का लूप लगाया, जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन ध्यान से समझनी है, a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस वन। और फिर हमने इसमें इस कंडीशन के ट्रू होने पर और ये तीन स्टेटमेंट लिखे हैं, temp equals to a ऑफ j, फिर हमने लिखा है कि a ऑफ j equals to a ऑफ j प्लस वन, फिर हमने लिखा है a ऑफ j प्लस वन equals to temp। अब जो ये प्रोसेस है या जो ये तीन स्टेप है, ये देखने में खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन साथियों ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हम लोगों ने पहले ये चीज, ये प्रोसेस पूरी करी हुई है।
आपको यदि याद हो शुरुआत में और हमने प्रोग्राम बनाए थे, और उस प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम था दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करने के लिए, आपस में नंबर्स को स्वैप करने के लिए। तो जो स्वैपिंग वाला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो की जा रही है। जैसे अपन, आपको यदि याद हो तो हमने क्या किया था कि जो अपना एक वेरिएबल था ए बी और सी, ये तीन वेरिएबल थे, ए की वैल्यू को हमने क्या किया था, सी में रख दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, आपको यदि याद हो तो, कि जो बी था बी की वैल्यू को किस में रख दिया था, ए में। फिर उससे अगली लाइन में हमने क्या किया था कि बी के अंदर वैल्यू पुट करा दी थी किसकी, सी की। और ये हमको मालूम है कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी इक्वल टू का जो ये सिंबल होता है, ये कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड का जो डाटा है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड में। तो ए की वैल्यू कहाँ गई, सी में, बी की वैल्यू ए में और सी की वैल्यू बी में। अब जो यहाँ पर ए का काम था, वो काम यहाँ पर किसका है, ए ऑफ जे का। और जो यहाँ पर सी का वर्क था, वो जो सी का वर्क है वो किसका है, यहाँ पर अपना टेंथ का। इसी तरीके से जो बी का वर्क था, बी का जो रोल है, बी का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, ये ए ऑफ जे प्लस वन। बस इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने जो ये वेरिएबल्स हैं उनको इस तरीके से लिखा है। प्रोसेस वही हो रही है कि वैल्यूज को आपस में स्वैप किया जा रहा है, वैल्यूज को आपस में बदला जा रहा है। अब उसी के लिए हमने, और ये टेंथ इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ये सारी जो तीनों लाइन है ये हमने लिखी है। तो हम एक बार पूरी प्रोसेस को समझते हैं, अपना एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि अपने को समझना आसान हो जाए। यहाँ मैं आपको, और दो एक एरे आपको मैं बना देता हूँ, वैल्यूज आपको लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकेंड है 4, या यूँ कर लेते हैं अपने इस तरीके से 3, 5, 4, 2, 1। ये इस तरीके से हमारी जो एरे है, एरे का साइज हमने दिया 5, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है अभी, 5 है, इसलिए 5 वैल्यूज इनपुट करवाई गई है। और इस तरीके से हमने वैल्यू इनपुट करी, पहले हमने 3 इनपुट किया, फिर 5 इनपुट किया, फिर 4, फिर 2 और फिर 1 इनपुट किया। अब ये अपना क्या हो गया, ये अपना एरे हो गया। तो जो ये अपना एरे है इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये फर्स्ट 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी 0 से शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3 और फोर्थ एलिमेंट। अब क्या होगा कि ए ऑफ जे, जो ये 0, 1, 2, 3, 4 है, ये सब क्या है, जे है। ए ऑफ जे का मतलब क्या हुआ, ये 3। यहाँ पे कंडीशन चेक की जा रही है, क्या ए ऑफ जे बड़ा है जे प्लस वन से। अब जे प्लस वन का मतलब क्या हुआ, 5। ए ऑफ जे कितना है, 0। 0 पोजीशन पे क्या है, 3, और जे प्लस वन यानी कि 1 पोजीशन पे क्या है, 5। तो क्या 3 बड़ा है 5 से, नहीं। नहीं तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये कोई वर्क नहीं होगा अंदर वाला, है ना। और बाहर क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी 0 था जे, अब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी फिलहाल जे यहाँ पहुंच जाएगा अपना 1 पर। फिर से क्या होगा कि कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन इस बार किस किस के बीच में होगा, 5 और 4 के बीच में। अब क्या है कि ए ऑफ जे कितना है, ए ऑफ जे है 5, और ए ऑफ जे प्लस 1 कितना है, 4। तो क्या 5 बड़ा है 4 से, यानी ए ऑफ जे यानी 5 बड़ा है 4 से, जी हाँ बिल्कुल है। तो ये कंडीशन इस बार क्या है, कंडीशन इस बार है 2। तो जैसे ये कंडीशन 2 होगी, हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे।
जैसे ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ए ऑफ जे की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, टेंथ में। ए ऑफ जे की वैल्यू आ गई टेंथ में। ए ऑफ जे में कितना है, 4 है, तो टेंथ के अंदर आ जाएगा फिलहाल 4। फिर क्या होगा, ए ऑफ जे प्लस 1, सॉरी ए ऑफ जे की वैल्यू कितनी थी, ए ऑफ जे की वैल्यू है 5, है ना। तो 5 कहाँ चला जाएगा, टेंथ में, तो यहाँ पर टेंथ के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। फिर ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ जे प्लस 1 कितना है, 4 है। अब ये 4 कहाँ चला गया, ए ऑफ जे में, यानी ए ऑफ जे में वैल्यू आ गई 4। फिर इसके बाद में क्या होगा कि टेंथ की जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, ए ऑफ जे प्लस 1 पे, तो ए ऑफ जे प्लस 1 में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो क्या हुआ कि जो हमारा एरे है वो एरे कैसा बनेगा, आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए, जो नेक्स्ट अपना एरे है वो किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। यानी जब ये अंदर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इस कंडीशन ट्रू हो गई, अब जो एरे बनेगा रिजल्टेंट एरे वो कैसा रहेगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ तो रहेगा अपना 3 जैसा पहले था, और फिर इसके बाद में जो 5 है, 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, और जो 5 ये 4 था, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, और आगे वाली जो वैल्यूज है वो वैसे सेम रहेंगी। यानी कि ये जो 5 है ये कहाँ चला गया, और जो ये 4 है ये कहाँ चला गया, यानी आपस में इनकी जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हो गई। तो इस प्रोसेस के अंदर हमने यही वर्क करवाया है कि दो जो भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हमने क्या किया है, एक्सचेंज करवाया है, आपस में एक दूसरे की पोजीशन पर रखवाया है। तो इस तरीके से जो ये इस कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर जो ये वर्क हो रहा है, ये क्या किस लिए हो रहा है, वैल्यूज को आपस में एक की जगह पर दूसरे को मतलब बदलने के लिए, एक की जगह पर दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि नेक्स्ट इटरेशन में, और जो जे है जे की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, जे की वैल्यू पहुंच जाएगी इस पर 5 पर। फिर 5 और 2 का आपस में कंपैरिजन होगा, जैसे 5 और 2 का कंपैरिजन होगा, क्या 5 बड़ा है 2 से, जी हाँ बड़ा है, इसे यही सेम प्रोसेस फॉलो होगी और आपस में वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो इस बार जो रिजल्टेंट एरे आएगा, रिजल्टेंट एरे क्या रहेगा, रिजल्टेंट एरे बन जाएगा इस तरीके से कि 3, 4, 2, 5 और 1, तो ये अपना एरे बन जाएगा। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, जे इस बार यहाँ पर पॉइंट करेगा। फिर कंपैरिजन होगा 5 और 1 के बीच में, ए ऑफ जे क्या है, 5 है, और ए ऑफ जे प्लस 1 क्या है, 1 है, तो इन दोनों में कंपेयर होगा। फिर से कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने के वजह से फिर से हम वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे। तो जैसे वैल्यू एक्सचेंज होगी तो रिजल्टेंट एरे अपने को क्या मिलेगा, अपने को एरे मिलेगा 3, 4, 2, 1 और 5। तो इस तरीके से जो अपना जे वाला लूप है वो एंड तक पहुंच गया। अब जैसे ये एंड तक पहुंचेगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप फॉल्स होते ही लूप से बाहर आएंगे, बाहर आते ही आई वाला लूप प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, और जैसे आई की वैल्यू 1 होगी तो जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे 0 होगा तो वापिस जो ये भी सारी प्रोसेस है तो फिर से रिपीट होगी, और इस बार 3 और 4 के बीच में कंपैरिजन होगा, फिर 4 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, और ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज होगी। इस तरीके से ये जो लूप है ये चलता जाएगा, और लास्ट में हमको जो रिजल्टेंट एरे प्राप्त होगा दोनों लूप जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में, तो वो कैसा होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमको रिजल्ट के रूप में फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि हम लोग
जो अपना अव्यवस्थित एरे है या अव्यवस्थित जो अपनी लिस्ट है डाटा की, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। अब यदि इसको अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ता कि ये जो सिंबल है इस सिंबल को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह क्या लिख देते हम लोग, लेस देन सिंबल का यूज कर देते। तो जैसे हम लेस देन का यूज करते तो ये जो रिजल्ट है इसका, इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता। जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या रिजल्ट मिलता, 5, 4, 3, 2 और 1। तो इस तरीके से हम लूप और एरे का यूज करके जो अपने एलिमेंट्स हैं उनकी सॉर्टिंग यानी उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। और ये जो हमने एल्गोरिदम यहाँ पर फॉलो करी है इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस का, उसके अंदर और ये बबल सॉर्ट जो टॉपिक है ये कवर करवाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स। आपको बताया था कि टू डायमेंशनल जो एरे होता है, टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें कि डेटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमसे क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स को रीड करना है और फिर उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए प्रोग्राम, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। शुरुआत में हमने क्या किया है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक मैट्रिक्स लिया है यानी कि एक टू डायमेंशनल एरे लिया है। उसका साइज क्या है, 4x4। 4x4 से मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में 4 रो होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। तो पहला जो 4 है वो रो के लिए, दूसरा जो 4 है वो कॉलम का साइज बता रहा है। फिर हमने 2 वेरिएबल और लिए, आई और जे। हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और हमने 2 लूप लगाए, एक आई का लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और एक जे का लूप जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। और ये जो आई और जे का लूप है ये क्या करेंगे कि जो अपने मैट्रिक्स है उसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रीड कर लेंगे। तो स्कैनर जो है वो वैल्यूज को रीड करवा देगा। अब इन वैल्यूज को रखा कैसे जाएगा, ये आपको मैंने बताया था कि जो पहली वैल्यू रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी, रो 0 कॉलम 0। दूसरी वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, रो 0 कॉलम 1, फिर 0, 2, फिर 0, 3। इस तरीके से मेमोरी के अंदर ये चाहेंगे पोजीशंस लिख रहा हूँ मैं, इन पोजीशंस पर वैल्यू को रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट पोजीशंस क्या रहेंगी, 1, 0, 1, 1, यानी कि ये क्या है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बना के दिखाया था ये। इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो रोज और कॉलम्स में बटी होती है और रोज और कॉलम्स की शुरुआत यानी कि उनकी काउंटिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वो हमको पता है कि 0 से होती है। तो ये सब 0 रो, ये तो क्या है सारी रो, और ये क्या है सारे कॉलम्स, यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3। तो 1 रो 2 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम। फिर इसी तरीके से सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो 1st कॉलम, सेकंड रो 2nd कॉलम और सेकंड रो 3rd कॉलम, है ना। 3rd कैसे काउंट होगा, 0 से 3rd यानी कि 4th कॉलम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस के ऊपर वैल्यूज को रखा जाएगा, वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। अब देखते हैं अपने आगे,
ये तो डेटा को जब रीड किया जाएगा तो मेमोरी के अंदर की जो पोजीशंस हैं उनकी अकॉर्डिंग वैल्यू को पोजीशन पे रखा जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, देखिए कि मैट्रिक्स गिवन बिलो, और फिर से हमने क्या किया है, वही दो लूप यूज किए हैं, एक आई का लूप यूज किया है और एक जे का लूप यूज किया है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रिंटर स्लैश टी का यूज किया है और परसेंट डी, और हमने क्या किया, एरे ए की आई और जे पोजीशन पे जो वैल्यू है उनको प्रिंट करवाया है। यानी आई और जे पोजीशन, वही सेम बात कि 0 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 0 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर 0 2 पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक करके जो अपनी मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया जाएगा। अब होगा क्या कि जो आई वाला लूप है वो तो 4 बार चलेगा, लेकिन उसके अंदर जो जे वाला लूप है वो 16 टाइम चलेगा, यानी 16 बार चलेगा, क्योंकि जैसे आई का लूप 1 बार चलेगा जे वाला लूप अंदर 4 बार चलेगा, आई का लूप दूसरी बार चलेगा जे वाला लूप 8 बार चल चुका होगा, आई का लूप तीसरी बार चलेगा तो जे का लूप 12 बार चल चुका होगा। इस तरीके से जो काउंटिंग है उसकी बढ़ेगी। मैट्रिक्स के लिए हमने स्टार प्रिंटिंग का, जो स्टार प्रिंट करवाने वाला क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट होती है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है कि सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, हमने कोई मैट्रिक्स को और रीड किया, उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में सम किया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था कि एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमने, और वो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का हमने और एग्जांपल लिया था, उसको हमने डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके का और ये क्वेश्चन है। लेकिन इस बार जो एरे है वो कैसा एरे है, टू डायमेंशनल एरे है, यानी कि मैट्रिक्स है। तो देखते हैं इसको, हमने शुरुआत में इंटीजर टाइप का एक एरे लिया, टू डायमेंशनल एरे लिया ए, और साइज उसका क्या रखा है हमने 4 बाई 4, और फिर हमने ये अलग अलग वेरिएबल्स लिए आई जे और सम, सम की वैल्यू को हमने शुरुआत में कितना रखा है 0 रखा है। इसके बाद हमने मैशअप प्रिंट करवाया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने 4 का लूप लगाया और सॉरी आई का लूप लगाया और हमने जे का लूप लगाया, और उसके अंदर हमने क्या किया, स्कैनएफ के हेल्प से वैल्यूज को रीड किया। तो जैसे ये स्कैनर क्या कर रहा है, वैल्यू को रीड कर रहा है, उसके साथ साथ में हमने क्या करवा दिया कि सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, के एरे ए की आई और जे पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको हम सम के साथ में जोड़ देंगे। सम की वैल्यू शुरू में 0 है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू जब आपस में जुड़ेगी तो रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, सम में, और अगली बार सम की वैल्यू हमको चेंज हुई मिलेगी। तो इस तरीके से ये लूप बार बार चलेगा, और लूप चल के जो भी हमारी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपस में जोड़ देगा, ये प्रोसेस अपनी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हमने मैसेज प्रिंट करवाया, प्रिंटर मैट्रिक्स गिवन बिलो, मैट्रिक्स जो है नीचे दी गई है, और फिर से वही आई और जे का लूप करके हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। अब सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारा मेन जो अपना क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन यही था कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनको आपस में जोड़ना है और उसके सम को प्रिंट करवाना है। सम को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये मैसेज लिखा है और लास्ट में सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को हम जोड़ के इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखो एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स एलिमेंट्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है कि जो अपने मैट्रिक्स के अंदर रो है रो को कॉलम्स में बदल देना है, और जो कॉलम्स है कॉलम्स को रो में बदल देना है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि हम पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में रो को कॉलम में बदलने के लिए और कॉलम को रो में बदलने के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे।
ये काम हमने किया है। देखिए ध्यान से, हमने एक एरे लिया, एरे का नाम रखा ए और साइज इसका दिया 4x4, यानी 4 रोज 4 कॉलम्स। दो हमने वेरिएबल लिए आई और जे। हमने मैशअप प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर आई का लूप लगाया, जे का लूप लगाया और स्कैनएफ की हेल्प से एरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड कर लेंगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो वापिस मैशअप प्रिंट करवाया मैट्रिक्स गिवन बिलो, जो मैट्रिक्स है वो नीचे दी गई है, और हमने आई और जे के लूप की हेल्प से मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। ये तो कैसे मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, सिंपल मैट्रिक्स, यानी जैसे हमने रीड किया था हम बस उसी मैट्रिक्स को एज इट इज और बी मैट्रिक्स के रूप में, यानी रोज और कॉलम्स के रूप में प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारा काम क्या था, हमको टास्क क्या मिला था कि साहब ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स गिवन बिलो, यानी अपने को रोज को कॉलम में बदल के और कॉलम्स को रो में बदल के प्रिंट करवाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा चेंज किया है, आपने नोटिस कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए वापस आप ध्यान से कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है ए आई जे, हमने यहाँ लिखा है ए आई जे, और हमने इस जगह पे क्या लिखा है ए जे आई, है ना, ए जे आई। तो बस यही इसमें चेंज होगा, इतना सा ही चेंज है कि नॉर्मल जब हमको प्रिंट करवाना था तो हम क्या लिख रहे थे, ए ऑफ आई जे। अब जब रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ए ऑफ जे आई, यानी कि रो को हमने कहाँ बदल दिया, कॉलम में, और कॉलम को हमने कहाँ बदल दिया, रो में। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान है, सिर्फ आई और जे की जगह पर जे और आई लिखना है अपने को, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, और ये जो इसके जो मार्क्स है वो हमको 100% मिलने चाहिए। तो इस तरीके से साथियों हमने देखा एरे और टू डायमेंशनल एरे, यानी कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने कई प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। तो ये सारे प्रोग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिए समझिए, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के आप कभी भी और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम याद नहीं कर सकते, आप करोगे तो कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे और गलती करके आओगे। आपको लॉजिक समझना चाहिए, आपको लॉजिक यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको जरूर ही समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, स्पेशली उसी प्रोग्राम के लिए मैं कंप्लीट वीडियो, फुल डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम और भी कई जो मैट्रिक्स और एरे से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सबका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।